हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अजय ओझा और आज आप पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 नहीं, यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 4 में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, आज हम बात करेंगे लवण प्रभावित मृदाओं की। ठीक है ना, आपने पढ़ा था अभी अम्लीय मृदा आपकी कैसे बनी और उसको रोकने के लिए, अम्लीय मृदा को सुधार करने के लिए आपने उसमें चूना मिलाया। अब हम पढ़ते हैं लवण प्रभावित मृदाएं। तो सबसे पहले तो लवण को समझना जरूरी है। लवण क्या है? तो देखो, जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। जैसे आपका एक NaCl है, नमक है आपका, तो नमक क्या है? आपका एक प्रकार का लवण है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? ये आपका NaOH जो कि एक क्षार है और HCl जो कि एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार के संयोग से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और अगर ये लवण आपकी भूमि में एकत्रित हो जाए तो उससे आपकी जो मिट्टी बनेगी वो कैसी बनेगी? लवणीय मिट्टी बनेगी। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ रहे हैं लवण प्रभावित मृदाओं को। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सारी बातों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और यहां पर पहले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, संपूर्ण भारत में लवण प्रभावित मृदाएं विस्तृत रूप से पाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर भाई कई स्थान ऐसे हैं कि जहां पर बरसात आपकी नहीं होती, या होती है तो भी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जहां पर आपकी कैसी मृदा पाई जाती है? लवणीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि आपकी बरसात होती है तो क्षार घुल घुल के नीचे पहुंच जाते हैं, तो वहां तो मिट्टी अम्लीय होती है, लेकिन अगर जहां पर बरसात कम है तो वहां पर आपके क्षार ऊपर ही रहते हैं, भाई मिट्टी की ऊपरी परतों में ही रहते हैं और आपकी लवण प्रभावित मृदाओं का या लवणीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये प्राय शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ में आ गई वही बात, शुष्क का मतलब या अर्ध शुष्क, इनका मतलब क्या है? जहां पानी, शुष्क का मतलब जहां तो पानी बहुत कम पड़ता है और अर्ध शुष्क का मतलब जहां पानी थोड़ा बहुत आपका पड़ता है। ठीक है ना, राजस्थान में मुख्यतः आपको इस तरीके की जलवायु मिलेगी। ठीक है, अब देखो, अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है, जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है और जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है और जो पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसी मिट्टी को हम क्या कहेंगे? लवण प्रभावित मृदाएं कहेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार पैराग्राफ में दोबारा से इस चीज को बता देता हूं। ठीक है, देखना, ये रही डेफिनेशन, यहां से स्टार्ट होके ये रहे। ठीक है, क्या लिखा है? जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है और जो पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसी मृदाओं को क्या कहते हैं? हम लवण प्रभावित मृदा कहते हैं। ठीक है, अब ये कहां कहां मिलती है उसके भी हम जगह के नाम की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में इस तरीके की मृदा मिलती है। पहले देखो, पहले क्या कहा है, देश के विभिन्न भागों में लवण प्रभावित मृदाएं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इन मृदाओं को हरियाणा पंजाब में कल्लर कहते हैं, थर कहते हैं, राकर, बरा और बरी। पूछा जा सकता है भाई कि लवण प्रभावित मृदाओं को हरियाणा में या आपको क्या बोल दे पंजाब में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? कल्लर हो गया, थर हो गया, राकर हो गया, बरा हो गया और बरी हो गया। ये नाम है आपके किसमें? हरियाणा और पंजाब में। आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदाओं को क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं इनको ऊसर या रेह। क्या कहते हैं? ऊसर या रेह। और आपसे पूछ ले गुजरात में क्या कहते हैं? तो गुजरात में इस लवण प्रभावित मृदाओं को बोलते हैं खार। ठीक है, क्या बोलते हैं? खार। आपने देखा हो तो गुजरात के खारी सींग, बहुत जो मूंगफली का दाना आता है ना वो बहुत फेमस है, उसको खारी सींग बोलते हैं। ठीक है, तो खार वहां पर किससे लेते हैं? नमक से लेते हैं, लवण से लेते हैं। लवण को क्या बोलते हैं? वहां खार बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो गुजरात में क्या बोलेंगे? इसको खार बोलेंगे, ऐसी मिट्टी को। और राजस्थान में क्या बोलते हैं? लूणी खार। राजस्थान में नमक को क्या बोलते हैं? लूण बोलते हैं ना भाई, आप जाओगे तो नमक को क्या बोलते हैं? लूण बोलते हैं राजस्थान में। तो इसको क्या बोल गया? लूणी खार इसको बोलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या हो गया? उप्पू, और या इसको चौड़ू बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में उप्पू या चौड़ू, और कर्नाटक में इसको चौपान नाम से जाना जाता है। तो देखो छोटे छोटे एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि कर्नाटक में लवण प्रभावित मृदाओं को क्या कहते हो, तो आपका आंसर होगा चौपान। ठीक है, पूछ ले आपसे आंध्र प्रदेश में लवण प्रभावित मृदाओं को क्या बोलते, तो आप कहोगे उप्पू या चौड़ू। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप हाईलाइट करोगे भाई, यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए 100% आपको बन सकता है। ठीक है, एक सेकंड दोबारा आपको बना के बताता हूं मैं। ये देखो, ये पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देखना भाई आगे अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई, अधिक तापमान एवं शुष्क क्षेत्रों में लवणता एवं क्षारीयता से मृदा की भौतिक संरचना खराब हो जाती है। अब अगर मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा आपके सॉल्ट आ गए, बहुत ज्यादा आपके लवण आ गए, तो उसकी जो भौतिक संरचना जो थी वो बढ़िया, जो दानेदार आपकी संरचना थी, वो संरचना कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है ना, अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई,
तथा लवणों की अधिकता से हानिकारक प्रभाव से पौधे की मृत्यु तक हो जाती है। अब भाई लवण इकट्ठे हो गए तो पौधे की जो उपज है, या मैं कहूं जो पौधे की जो वृद्धि है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और पौधे की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, समझ गए, यानी मुरझा के वो पीला पड़ के पौधा आपका सूख जाएगा। आगे क्या बोला हमने, ऐसी स्थिति में लवण प्रभावित मृदाओं से फसलोत्पादन संभव नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा आपके लवण है तो ऐसी भूमि से आप फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, यहां आपको कृषि योग्य उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उत्पादन लेना आवश्यक हो गया है। ये भाई नेसेसरी कंडीशन हो गई है, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे लिए जमीन तो उतनी है, ऐसी तो है नहीं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन भी साथ के साथ बढ़ जाएगी, हमारे लिए भूमि उतनी सी है और हम क्या कर रहे हैं, उस कृषि योग्य भूमि पर दनादन प्लॉट काट के मकान बनाते जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने के लिए हमको चाहिए, उगाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, तो इससे हमारे सामने विकट समस्या हो गई कि हमको भाई सीमित भूमि से हमें अधिक उपज चाहिए, हमें अधिक अनाज चाहिए कम भूमि से, तो ऐसी कंडीशन में हमको भूमि का सुधार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बात बोली है भाई, आगे यही बात बोलिए, अतः इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मृदा का अध्ययन कर इसको सुधारना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, अब देखो इस प्रकार की मृदाएं भारत में आपको कहां कहां मिल रही हैं, तो इसके बारे में भी बता रखा है कि इस प्रकार की मृदाएं कौन सी, लवण प्रभावित मृदाएं आपको भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के राज्यों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भाई जहां पर आपको लवण प्रभावित मृदाएं मिल रही हैं। अब देखो आगे यही बात बोल रखी है जो अभी अभी हमने कही थी कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो आपकी जलवायु प्राप्त हो रही है वो कैसी जलवायु है भाई, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है ना, आप इधर जाओगे जैसलमेर बीकानेर साइड तो यहां पर बरसात बहुत कम पड़ती है, शुष्क जलवायु यहां पर आपकी होती है। जल में लवण व क्षार की उपस्थिति के कारण यह समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। और होता क्या है भाई कि यहाँ के जो भूमिगत जल है, आप जैसे रेगिस्तान में कहीं खुदाई करते हो और आपका पानी मिलता है तो पहली बात तो वो बहुत नीचे पानी मिलेगा, और उस पानी में भी जो आपके लवण है यानी पानी जो निकलता है वो पानी भी आपका खारा पानी निकलता है। ठीक है, तो जो भूमिगत जल है उसमें भी लवण की मात्रा अधिक होती है, तो कुल मिला के आपकी लवणीय मृदा हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बोला है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु, कम वर्षा, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण, भूमिगत जल में लवण व क्षार की उपस्थिति के कारण यह समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। नहरों व तालाबों से सिंचित क्षेत्रों में, जहां पर नहर और आपके तालाब हैं और जहां से आप इनसे सिंचाई करते हो, वहां पर क्या हो रहा है, भूमिगत जल स्तर जमीन की सतह के नजदीक आने के कारण भी समस्याग्रस्त क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जो भूमिगत जल है वो कहाँ आ रहा है भाई, जमीन की सतह के नजदीक आ रहा है, तो जो भूमिगत जल में अगर क्षार ज्यादा है और वो जब जमीन के संपर्क में आएगा तो उस जमीन को भी कैसा कर देगा भाई, लवणीय बना देगा। समझ रहे हो आप बात को, आगे देखो, आगे क्या बोला है, कम वर्षा के कारण भूमि में उपस्थित लवण पानी के साथ घुलकर भूमि की सतह पर एकत्रित होते रहते हैं। देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं ना एक सीधी सीधी लैंग्वेज में, तो हो क्या रहा है भाई, देखो यहां पर आपका ये रहा, मान के चलो ये आपकी रही कृषि योग्य भूमि। ठीक है, हमने खुदाई की तो खुदाई में जो पानी निकला उसमें भी लवण की मात्रा अधिक है। अब अगर हम इस जल से यहां पर सिंचाई करें तो यहां पर ओवरऑल लवण ही इकट्ठा होना है, और लवण इकट्ठा होना है तो हमारी भूमि कैसी बननी है, लवणीय बन रही है। दूसरी बात क्या बोला हमने कि जब यहां पर वर्षात नहीं होती, या जब वर्षात होती है तो थोड़ी बहुत जो वर्षात होती है उससे ये लवण घुल घुल के कहां आते हैं भाई, भूमि की निचली सतहों में। आपने पढ़ा है कि जितने भी सॉल्ट हैं भाई, जितने भी क्षार हैं, वो सारे घुल घुल के कहां आएंगे, निचली सतहों में आएंगे। ठीक है, बरसात हो गई, बरसात चली गई, अब आपकी जब गर्मी पड़ेगी, जब आपका वाष्पोत्सर्जन होगा तो गर्मी से जो आपकी धूप पड़ेगी उससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होगा, तो होगा क्या, यहां से जो जमीन के अंदर जो आपका पानी है वो क्या आएगा भाई, भाप बन के उड़ने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। तो जैसे जैसे ये वाष्पीकृत होगा पानी, तो पानी ऊपर आएगा, और पानी ऊपर आएगा तो इन लवणों को भी साथ में कहां ले आता है भाई, ऊपर ले आता है।
जो बरसात के टाइम पे लवण घुल घुल के नीचे पहुंचे थे, वो ही वाष्पीकरण के टाइम पर यानी गर्मी के टाइम पर वो ही लवण आपकी मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाएंगे और मिट्टी को कैसा बना देंगे, ये लवणीय बना देंगे। तो ओवरऑल जो कहानी है, चाहे बरसात पड़े तब तक तो थोड़े टाइम के लिए तो क्षार आपके नीचे चले गए, लेकिन जब गर्मी हुई तो दोबारा आपके लवण एकत्रित हो गए और इस तरीके से आपकी मिट्टी कैसी बन जाती है, लवणीय बन जाती है। यही सारी बातों को यहां पर समझाया गया है। देखो आगे क्या बोला है, देखना इसको। देखो, भूमिगत जल में लवण और क्षार के कारण कुओं से सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई करने से भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों की मात्रा बढ़ती जा रही है। भाई अगर पानी आपका क्षारा है, जो कुआं जल जो भी जहां से आप भी सिंचाई जल ले रहे हो, वहां पर अगर लवणों की मात्रा ज्यादा है तो उस जल से सिंचाई करोगे तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि भूमि में भी लवणों की मात्रा आपकी बढ़ती जाएगी। सीधी सीधी बात है। तालाब एवं नहरों से सिंचित क्षेत्रों में भूमिगत जल की सतह ऊपर उठ आने, पानी के अधिक रिसाव के कारण ऊपर की मिट्टी में ज्यादा लवण एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, और भूमि में लवणीयता क्षारीयता बढ़ जाती है। यहां पर एक नया वर्ड आया है, क्या आया है भाई, पानी के अधिक रिसाव से। कहीं पर पानी का रिसाव होगा तो भी वहां पर आपके लवण एकत्रित हो जाएंगे, या पानी का कहीं पर जमाव होगा तो जहां जमाव होगा वहां भी आपके लवण एकत्रित हो जाएंगे। कैसे, बढ़िया उदाहरण देता हूं। कहीं पर आपने पानी टपकता हुआ देखा है, नल वगैरह पाइप में देखा होगा, सबने घरों में भी नलों में टपक जाता है कभी कभी, पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है, ठीक है। तो आप उस नल को देखोगे तो जहां पर पानी टपक रहा था वहां पर आप क्या देखते हो, सफेद सफेद लेयर जम जाती है, सफेद सफेद नमक जैसी परत यहां पर जम जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जहां पर पानी का रिसाव होता है वहां भी लवण एकत्रित होते हैं। या आपने कभी टंकी की सफाई की हो या टंकी की सफाई होते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि टंकी में जब नीचे आप सफाई करते हो तो नमक नमक का वहां पर परत जम जाती है, बहुत सारी मोटी परत चद्दर जैसी जम जाती है सफेद सफेद की, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या मतलब है कि टंकी में हम पानी रखते हैं और टंकी में पानी स्टोर रहता है, यानी जल का वहां पर क्या होता है, भराव होता है, जल रुका हुआ होता है। तो रुके हुए जल में जब अधिक समय तक अगर आपका जल रुका हुआ रहेगा तो उस रुके हुए जल में भी आपके लवण एकत्रित हो जाते हैं। यानी कहीं पर पानी का अगर रुकाव है, पानी का बढ़िया से निकास नहीं हो रहा, पानी इकट्ठा होकर रुक चुका है, या पानी का रिसाव हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो मृदा बनेगी वो कैसी बनेगी, लवणीय बनेगी। क्योंकि जहां पर पानी रिसता है, जहां पर पानी रुकता है, वहां पर आपके लवण एकत्रित होते हैं। बात आ गई आपको समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात क्या बोलिए, हाँ, अधिक रिसाव के कारण ऊपर की मिट्टी में ज्यादा लवण एकत्रित होने से भूमि में लवणीयता व क्षारीयता बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन बन गया भाई आपके लिए इंपोर्टेंट, पूछ ले राजस्थान में कितने हेक्टेयर मृदा लवण प्रभावित है, ठीक है। तो क्या बोला है, राजस्थान में लगभग 3.34 लाख, कितना, 3.34 लाख हेक्टेयर मृदा लवणीयता व क्षारीयता से प्रभावित है, 3.74 लाख, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखोगे, पूछा जा सकता है एक नंबर में, 3.74 लाख हेक्टेयर मृदा लवणीयता व क्षारीयता से प्रभावित है। और ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा किसने दिया था भाई, ये दिया था आपको मंडल 2010, जिसका नाम क्या है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कहां स्थित है, करनाल हरियाणा में, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में जो आपका स्थित है, ठीक है। आगे क्या बोला है, राजस्थान में मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्री गंगानगर जिलों में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। यानी आप देखोगे तो जो मैप, अगर आप देखोगे ना तो मैप में जो आपको देखा है, जो पाकिस्तान से जो टच में, जो इधर बॉर्डर वाला जो हिस्सा है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जो इधर आते हैं, वो सारे जो आपके क्षेत्र है लगभग वहां पर आपको लवण प्रभावित मृदा मिल जाएगी, ठीक है। पाली, जोधपुर, इनमें से आप 5-6 नाम याद रखो भाई, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो आपके लवण प्रभावित मृदा हैं, जिनमें लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं, तो आप इनमें से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए इस पूरे पैराग्राफ को, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लवणीय मृदा बनने के कारण। देखना भाई इसको, देखना भाई, अब लवणीय मृदा बनने के कारण देखो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है भाई, शुष्क जलवायु, ठीक है ना। शुष्क जलवायु में देखो, शुष्क क्षेत्रों में जहां बरसात की कमी होती है, तापमान अधिक होता है, वहां विलेय लवण मृदा की सतह पर जमा होते रहते हैं। सीधी बात, शुष्क मृदा
यानी जहां पर पानी की मात्रा कम है, तो लवण आपके घुल के नीचे नहीं जा रहे, लवण मिट्टी में ऊपरी सतह में ही बने हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर बरसात होती है तो बरसात के जल से क्या होता है, एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं, बरसात के जल से क्या होता है भाई, लवण घुल घुल के, क्षार घुल घुल के कहाँ आते हैं, मृदा की निचली सतहों में आते हैं। लेकिन बरसात ही नहीं पड़ रही तो क्षार कहाँ बने रहेंगे, लवण कहाँ जमा रहेंगे भाई, मिट्टी की ऊपरी परत में ही जमा रहेंगे। बात आ गई समझ में आपको, तो मिट्टी के ऊपरी परत में ही लवण जमा रहेंगे, वो घुल के नीचे आते नहीं है क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही है वहां पर, ठीक है। बरसात में ये लवण मृदा परतों में नीचे की ओर चले जाते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हुई तो ये लवण घुल के आपके कहाँ गए, नीचे गए, थोड़े बहुत ही नीचे जा पाए क्योंकि बरसात ही आपकी बहुत कम हो रही है। लेकिन जब दोबारा गर्मी पड़ेगी तो गर्मी से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा और पानी ऊपर आएगा वाष्पोत्सर्जन में, तो जब पानी ऊपर आएगा तो आपको पता है धीरे धीरे क्या होगा भाई, वाष्पीकरण में जो भी लवण आपका, जो बरसात के टाइम पर जो भी लवण आपके नीचे गए थे, वो ही वापस आपके मिट्टी के ऊपरी परत में आ जाएंगे। तो इससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ, समझे भाई, जो नीचे गए थे वापस वो ऊपर आएंगे और उल्टी ज्यादा मात्रा में ऊपर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भूमिगत जल में भी क्या है भाई, भूमिगत जल में भी क्षार है, तो जो नीचे गए थे वो तो आपके आएंगे ही आएंगे, लेकिन भूमिगत जल में जो आपके क्षार था वो भी आपका धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण से आपकी जो भूमि है वो और अधिक आपकी क्षारीय हो जाती है। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन बरसात का मौसम समाप्त होने पर, वही बात बोली है, लेकिन बरसात का मौसम समाप्त होने पर तीव्र वाष्पीकरण द्वारा ये लवण पुनः सतह पर आ जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल में विलेय लवण प्राय अच्छी खासी मात्रा होती है भाई, ठीक है। जहां पर आपकी शुष्क क्षेत्र में जो आपका भूमिगत जल है वहां पर आपको पता है कि जो आपके लवण है उनकी मात्रा अच्छी खासी होती है। वाष्पीकरण द्वारा मृदा सतह पर लवणों के संचालन में सदैव वृद्धि होती है, जिससे मृदा लवणीय बन जाती है। तो घुमा फिरा के सारी वही बात करी है मैंने आपको, एक लाइन में, एक सेंटेंस में सारी चीजें समझा चुका हूं, ठीक है। अब आप उसको में कितना भी लिख लो, ठीक है। आगे यही बात बोलिए कि वाष्पीकरण द्वारा क्या बोला है, एक सेकंड इसको और मैं आपको अच्छे से बना के बताता हूं। वाष्पीकरण द्वारा मृदा सतह पर लवणों के संचालन में सदैव वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि भूमिगत जल में भी लवण है वो भी ऊपर आ जाते हैं, और जो नीचे गए थे वो बरसात के द्वारा जो नीचे गए थे वो तो ऊपर आएंगे ही, भूमिगत जल के लवण भी ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें सदैव क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। जिससे मृदाएं आपकी कैसी बन जाती है भाई, लवणीय बन जाती है। समझ में आ गया पूरा पैराग्राफ। नेक्स्ट की बात करते हैं, लवणीय जल से सिंचाई। देखना भाई अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एक सेकंड, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लवणीय जल से सिंचाई, ठीक है। तो देखो, लवणीय जल से सिंचाई करोगे, पानी में ही आपके सॉल्ट है, लवण है, तो मिट्टी कैसी बनेगी भाई, मिट्टी भी लवणीय बनेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब आगे देखो, ये यहां पे इसने क्या बोला है कि यह मृदा कणों के आकार, जलवायु व जलीय चालकता पर निर्भर करता है। अगर कणों का आकार छोटा होगा तो आपके लवण ज्यादा एकत्रित होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना, जितना कणों का आकार छोटा हो उतना क्षेत्रफल ज्यादा, तो आपके लवण ज्यादा जमा होंगे। और अगर कणों का आकार आपका बड़ा बड़ा है तो वहां पर जो सॉल्ट का जो जमाव है, जो लवणों का जमाव है, वो कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। आगे देख लो, इसी बात को हमने यहां पर कह रखा है, ठीक है, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो। अब तीसरा पॉइंट देखो जल के रिसाव से, ठीक है। ये बात भी हम कर चुके हैं, जहां पानी का रिसाव होता है वहां पर सॉल्ट एकत्रित होते हैं, लवण जमा होते हैं। बढ़िया एग्जांपल हमने पढ़ा था, कहीं पर पाइपलाइन अगर आपकी थोड़ी बहुत कट रही है, या घरों में जो आपका नल होता है जहां पर आपकी बूंदें रिसती हैं, धीरे धीरे आपका नल जो लीकेज होता है, तो वहां पर आप देखते हो कि सफेद नमक की परत वहां पर आपको एक मिलती है। तो कहने का मतलब, जहां पर जल का रिसाव होगा वहां पर आपके लवण एकत्रित हो जाएंगे और ये भूमि को कैसी बनाएंगे भाई, लवणीय बनाएंगे, ठीक है। जल रिसने वाले नहरों और पार्श्व नलियों से, जो कि भूमि ऊंचाइयों पर रहती हैं, निस्पंदन मतलब रिसाव होता है और भूमि जल स्तर उठ जाता है, जिससे लवणीय क्षारीय मृदाएं आपकी बन जाती हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, उच्च भूमि जल स्तर, ठीक है। अब क्या है इसमें, पहले पढ़ लो पैराग्राफ फिर समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। क्या बोला है, भूमि जल स्तर मृदा सतह के निकट होने पर समुचित जल निकास नहीं हो पाता। अगर आपका जो जल स्तर है वो आपकी जो आपकी खेती वाली जो भूमि है उसके बिल्कुल पास है, तो आपको पता है कि वहां पर बढ़िया से जल निकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जल स्तर है वो भी वही है और आपकी जो भूमि है वो भी उसका स्तर दोनों का समान है, तो जल निकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जल निकास नहीं होगा, जल का भराव होगा, तो आपको पता है कि जल अगर रुक जाता है, भराव होता है, तो वहां भी वहां पर लवण एकत्रित होते हैं और आपकी भूमि को कैसी बनाएंगे भाई, लवणीय बनाएंगे, ठीक है। आगे क्या बात बोलिए, नहीं हो पाता, फलस्वरूप ऊपरी सतह
में अधिक लवण एकत्रित होते रहते हैं। जल स्तर सतह के निकट प्राकृतिक कारणों से अथवा नहर जलाशय नदी के समीप होने से भी हो सकता है। भाई हो सकता है प्राकृतिक कारणों से भी आपकी जो सतह है जो एकत्रित हो आपकी, ठीक है ना, जो आपकी भूमि जल स्तर है और जो आपकी कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, नहर जलाशय नदी के समीप होने के कारण भी ये कहानी हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, अपर्याप्त जल निकास, ठीक है, अपर्याप्त जल निकास। इसको देखो, जल निकास उचित नहीं होने के कारण आसपास का जल निचले स्थानों पर एकत्रित हो जाता है और सूखने पर अपने साथ लाए हुए विलेय लवणों को वहीं छोड़ देता है। भाई ठीक है, अगर जल निकास अच्छा नहीं है तो जल एकत्रित होगा और जब जल एकत्रित होगा तो उस जल में कुछ लवण घुले हुए होंगे और जब आपका जल सूख जाता है तो पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, लवण तो आपके मिट्टी में वहीं छोड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लवण भाप बन के आपके वायुमंडल में नहीं जाते, ठीक है, तो आपका पानी तो उड़ जाएगा लेकिन जो सॉल्ट लाया था वो वहीं मिट्टी में छोड़ गया, तो आपकी मिट्टी को कैसी बना देगा भाई, अम्लीय बना देगा। बात आ गई समझ में। आगे देखो, आगे क्या बोला है, इस प्रकार का क्रम प्रतिवर्ष चलने के कारण कुछ समय बाद मृदा लवणीय क्षारीय बन जाती है और यह प्रोसेस आपका एक बार थोड़ी है भाई, सालों साल चलता रहेगा और जब यही प्रोसेस बार बार होता रहेगा तो मिट्टी आपकी कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। यही बात यहां पर इसने कही है, ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत, ठीक है, अगर आपकी जो मृदा प्रोफाइल है वहां पर जो लेयर है आपकी कड़क हो जाएगी तो उससे भी आपकी जो मिट्टी है वो कैसी बन जाती है, लवणीय बन जाती है। कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। मृदा प्रोफाइल में कड़ी परत होने पर जल नीचे की तहों में नहीं पहुंच पाता। अगर भाई नीचे कड़क परत बन गई है तो जल आपका और नीचे की परतों में नहीं जा पाता, तो जो लवण है वो वहीं ऊपरी परत में बने रहते हैं और ऊपरी परत में बने रहेंगे तो मिट्टी को कैसी बना देंगे, लवणीय बना देंगे, ठीक है, जिससे विलेय लवण कड़ी परत के ऊपर वाले भूभाग में ही रहते हैं। वाष्पीकरण के समय यह लवण मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, इस प्रकार कड़ी परतें जल निकास में भी क्या होती हैं, बाधक होती हैं। समझ गए, तो आपका भाई पानी नीचे नहीं जा पा रहा था, पानी जो आपका है वो ऊपर ही रह रहा था और जब वाष्पोत्सर्जन की घटना हुई, वाष्पीकरण जब हुआ तो वो आपके लवण कहां आ गए, वापस मिट्टी के ऊपरी सतहों में आ गए, ठीक है, समझ गए बात को। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। सातवां पॉइंट, मूल पदार्थों की प्रकृति। जिस पदार्थ से आपकी मिट्टी बनी है, एक सेकेंड, जिस पदार्थ से भाई आपकी मिट्टी बनी है अगर वो पदार्थ ही आपका लवणीय है तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी बनेगी वो भी कैसी बनेगी, लवणीय बनेगी, ठीक है। चट्टानों की रचना विभिन्न खनिजों से होती है, ठीक है, चट्टान जो है खनिजों से मिलकर बनते हैं। जिन चट्टानों में अधिक लवण होंगे उनसे निर्मित मृदा में भी लवण अधिक पाए जाएंगे। भाई जैसा आपका पैतृक पदार्थ होगा वैसी ही संतति होगी, ठीक है, तो अगर चट्टानों में भी आपके लवण ज्यादा हैं तो जो आपकी मिट्टी है उसमें भी लवण ज्यादा होंगे और वो मिट्टी कैसी होगी, लवणीय होगी, ठीक है। चट्टानों की तोड़ फोड़ के कारण अनेक घुलनशील लवण जल में घुलकर मिट्टी की निचली सतहों में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और जब ऐसे स्थानों पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो जो लवण है वो भूमि जल स्तर पर या भूमि सतह पर क्या है, एकत्रित होते रहते हैं। वही कहानी हुई भाई, देखो सारी बातों में तोड़ मोड़ के एक ही बात है कि जो लवण है वो भूमि में ऊपरी सतहों पर पहुंचेंगे। अब अगर पानी आ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए नीचे गए, वाष्पोत्सर्जन में वापस ऊपर आए, पानी अगर नहीं आ रहा तो वो ऊपर ही बने हुए हैं तो भी मिट्टी को लवणीय बनाएंगे। अगर आपका भूमिगत जल लिया तो भूमिगत जल में भी अगर लवण है तो भी मिट्टी को लवणीय बनाएंगे। तो अभी हम सारे कारक पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कारक है भाई जो मिट्टी को आपको लवणीय बनाएंगे, ठीक है ना। पानी का रिसाव हो रहा है तो भी मिट्टी लवणीय होगी, पानी रुका हुआ है तो भी मिट्टी लवणीय बनेगी। समझ गए ना मेरी बात को। आगे देखो, अगर आपकी चट्टानी लवणीय है तो जो मिट्टी बनेगी वो भी लवणीय बनेगी, सीधी सीधी बात है। अगला पॉइंट नंबर 8 क्या बोला है इन्होंने, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, क्षारीय उर्वरक का लगातार अनुप्रयोग। अब आप अगर जो उर्वरक डाल रहे हो उसकी प्रकृति क्षारीय है तो क्षारीय उर्वरक को अगर बार बार डालोगे तो मिट्टी भी कैसी बनेगी, क्षारीय बनेगी, सीधी सीधी बात है। यही बात बोलिए, पढ़ लो इस पैराग्राफ को। क्षारीय प्रकृति के उर्वरक का लगातार प्रयोग करने पर मृदा में क्षारीय आयनों की मात्रा बढ़ जाने से मृदा क्षारीय हो जाती है, सीधी बात है। सोडियम और कैल्शियम युक्त उर्वरकों की प्रकृति क्षारीय होती है। सोडियम और जो कैल्शियम है इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और ज्यादा क्षारीयता को कौन बढ़ाता है, सोडियम बढ़ाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है।
इनके लगातार प्रयोग से मृदा संकीर्ण पर इन आयनों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ठीक है, लगातार अगर आप इन्हीं उर्वरकों को बार बार डालोगे तो मिट्टी आपकी कैसी हो जाएगी, वही क्षारीय हो जाएगी। समझ गए बात को। अब जो अगला टॉपिक है हम वो कौन सा पढ़ेंगे भाई, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण, जिसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर भाई आपका समझने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आसानी से। बस जो पॉइंट मैं बताता जा रहा हूं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको हाईलाइट करोगे, उसको माइंड में याद करोगे। चीजों को केवल समझना नहीं है, चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि समझने से केवल काम नहीं चलेगा, बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।